हेलो दोस्तों, मैं हूँ शीतल और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक अलग एक डिफरेंट प्रोडक्ट अनबॉक्स करके बताने वाली हूँ। और ये एक आयरन बॉक्स है और आप सोच रहे होंगे कि मैं एक आयरन बॉक्स क्यों अनबॉक्स करके बता रही हूँ, लेकिन ये कोई नॉर्मल सा आयरन बॉक्स नहीं है, ये शाओमी का पोर्टेबल स्टीम आयरनिंग मशीन है। तो चलिए पहले मैं आपको इसका बॉक्स पैकिंग बता दूँगी। ये ऐसे एक सिंपल से कार्डबोर्ड पैकिंग में आया है और यहाँ पर ऊपर लिखा है डियर माँ पोर्टेबल स्टीम आयरनिंग मशीन और उसके नीचे थोड़े उसके एप्लीकेशंस लिखे हैं। इस तरफ भी डीरमा लिखा है और यहाँ पर नीचे हम इसके थोड़े स्पेक्स देख सकते हैं। ये 800 वॉट का है और इसके थोड़े और स्पेक्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस तरफ भी सेम मैटर लिखा है बॉक्स पर और यहाँ पर ऊपर भी वही डीरमा पोर्टेबल स्टीम आयरनिंग मशीन लिखा है और इसके थोड़े एप्लीकेशंस है। तो बस ये इस सिंपल सी कार्डबोर्ड पैकिंग में आया है। तो चलिए अब हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। वो इस छोटे से बॉक्स में तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं बॉक्स के अंदर। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले इन सारे चीज़ों को निकाल कर नीचे टेबल पर अच्छे से अरेंज करके आपको हर एक आइटम बताऊँगी। तो बॉक्स के अंदर ये सारे चीज़ें आए थे। पहले मैं आपको इसका यूज़र मैनुअल बता दूंगी। यहाँ पर ऊपर तो इंग्लिश में लिखा है लेकिन अंदर मैनुअल के अंदर तो सब कुछ चाइनीज़ में ही है, लेकिन इसमें थोड़े पिक्चर्स हैं तो उन पिक्चर्स को देखकर तो हम समझ सकते हैं इसे कैसे यूज़ करते हैं और सब कुछ। और इसमें एक मेजरिंग कप भी आया है, तो इस कप को यूज़ करके हम आयरन बॉक्स में इजीली वाटर फिल कर सकते हैं। कितना फिल करना चाहिए वो हम इस कप से देखकर डाल ले सकते हैं। और ये क्लीनिंग ब्रश है, तो अगर आप कुछ हैवी विंटर कोट्स टाइप कपड़े अगर आयरन कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप इस ब्रश को आयरन बॉक्स के सामने फिक्स करके इसे यूज़ कर सकते हैं, तब और नीटली आयरन हो जाएगा। और क्योंकि ये एक पोर्टेबल आयरन बॉक्स है तो हमें कैरी केस भी आ रहा है और इसका क्वालिटी भी ठीक की लग रहा है मुझे। तो चलिए अब मैं आपको डीरमा आयरन बॉक्स बता दूंगी। ये अच्छी तरह से पैक्ड आया है इस कवर में और देखने में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बहुत यूनिक है, वाइट कलर में बहुत डिफरेंट है इसका डिज़ाइन भी। मेरे पास तो ये डिज़ाइन वाला आयरन बॉक्स नहीं था, रेगुलर आयरन बॉक्स ही था। और यहाँ पर हैंडल पे लिखा है इस तरह से 90 डिग्रीज में इसके हैंडल को नहीं प्लेस करना चाहिए, इसे 110 डिग्रीज तक ऐसे एक्सटेंड करके ऐसे ओपन करना चाहिए। हैंडल पर वही स्टिकर है और यहाँ पर लिखा है डीरमा पोर्टेबल स्टीमर और डीरमा ब्रांडिंग भी है। और फ्रंट में यहाँ पर होल्स है, इधर से स्टीम निकलता है और ऊपर हम इसका टैंक भी देख सकते हैं। इस टैंक को ही हमें फिल करना चाहिए उस मेजरिंग कप से, क्योंकि उसका होल बहुत छोटा है ना, तो मेजरिंग कप से फिल करने पर ईजिली फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसका ऑन ऑफ बटन देख सकते हैं, इस बटन को प्रेस करने पर ये ऑन हो जाएगा। और इस बटन के ऊपर LED इंडिकेटर भी है और उसके ऊपर थोड़े स्पेक्स लिखे हैं इस आयरन बॉक्स के। ये देखने में भी बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है इसका डिज़ाइन भी, वाइट और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में देखने में भी अच्छा दिख रहा है। इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा ही है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्लग का डिज़ाइन इंडियन टाइप का नहीं है, तो इसे यूज़ करने के लिए आपको एक कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको एक डेमो देकर भी बताऊंगी कि ये आयरन बॉक्स कैसे काम कर रहा है। तो मैंने स्विच ऑन कर दिया है और स्विच ऑन करने पर यहाँ पर इसके LED इंडिकेटर में रेड लाइट इस तरह से फ्लैश होगा, यानी कि ये अभी रेडी नहीं है, ये हीट हो रहा है। और ऊपर मैंने इसके वाटर टैंक में भी इसके मेजरिंग कप से ही वाटर फिल किया था, क्योंकि इसका होल जो है वो बहुत छोटा है तो उस कप से ही डालना बेटर होगा, वरना पानी पूरा नीचे गिर जाएगा। और सामने भी मैंने इसका एडिशनल ब्रश जो आया है उसे भी फिक्स कर दिया है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रेड लाइट जो है वो फ्लैश होना रुक गया है, यानी कि ये रेडी है। तो स्टीम बटन प्रेस करने पर इसका इंडिकेटर जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा और सामने से भी आप देख सकते हैं बहुत ही स्टीम आ रहा है, बहुत हॉट होगा ये एरिया। तो आप आयरन करते वक्त इसका फ्रंट पार्ट जहाँ से स्टीम आ रहा है वहाँ पर तो हाथ मत लगाना, वरना आपको चोट लगने के चांसेस होंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा आयरन कर रहा है ये शर्ट को। इस पर बहुत सारे व्रिंकल्स थे, वो सब कुछ स्मूथ हो गया है, आप ही देख सकते हैं। ऊपर सब कुछ स्ट्रेट हो गया है और नीचे सारे व्रिंकल्स है, डिफरेंस तो दिख रहा है। और इसे यूज़ करना भी बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसमें पानी भरकर हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे।
और दोस्तों आप इस आयरन बॉक्स को सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि एक नॉर्मल आयरन बॉक्स की तरह भी यूज़ करके आयरन कर सकते हैं कपड़ों को। मतलब जो नॉर्मल आयरन बॉक्स के स्टैंड पर कपड़े प्लेस करके हम आयरन करते हैं ना, उस तरह से भी आयरन कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर इसके वाटर टैंक से वाटर लीक नहीं होगा और इसके वाटर टैंक को इसका जो मेजरिंग कप है ना उससे एक बार फिल करने पर हम इजीली 2 क्लोथ्स तक आयरन कर सक रहे हैं। और ये एक फोल्डेबल आयरन बॉक्स है तो हम इसे फोल्ड करके इसके कवर में रख के इजीली कहीं पर भी कैरी कर भी लेकर जा सकते हैं। तो मुझे ओवरऑल ये आयरन बॉक्स तो ठीक लगा, लेकिन मुझे इसका वेट ही थोड़ा ज़्यादा लगा, ये थोड़ा हेवी दिख रहा था। तो ऐसे हैंग करके कंटिन्यू 2 क्लोथ्स आयरन करने के बाद मुझे थोड़ा हैंड पेन आ रहा था क्योंकि ये थोड़ा हेवी था। तो बस ये एक ही था, और मैं आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, आप उसे वहाँ से ले सकते हैं। तो बस इतना ही था दोस्तों आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और नीचे नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके। मैं आपको मेरे अगले वीडियो में मिलूंगी। बाय।